आज फिर हम लोग मौजूद हैं उसी जगह पे, यानी गोठिया वाली जगह पे, जो कि पेपर में बड़ी शान से निकला, लिखा गया कि ये रोड पूरी तरह से बन चुकी है, गोंडा से लेके, मनकापुर से लेके, सादुल्ला नगर से लेके, गौरा चौकी होते हुए बभरान मार्ग पूरी तरह बन चुका है। उसी पे आज हम फिर चर्चा करेंगे। चर्चा यूँ होगी, आज चर्चा होगी खटिए पे, चर्चा ऑन खटिया, इसी रोड की कहानी है जो चीख चीख के ये बयान कर रही है। ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, अगर मैं इसमें बैठूं तो ये दिखेगा कि ऊपर बहुत ऊंचाई दिख रही है और यहाँ ये लोग खटिया लगा के बैठे हुए हैं। अब आइए चर्चा करते हैं इसी खटिया पे। इलेक्शन नज़दीक आ चुका है, क्या रणनीति होगी? जैसे कि आपने पिछली बार देखा कि इस रोड को लेके कितने लोग आक्रोशित हैं, यहाँ तक कि ये भी कह दिया है लोगों ने और कमिटमेंट कर लिया है, वो रोष आपको दिखा ही होगा उनकी बातों में, कि इस बार हम वोट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो आप देखिए आज की जो चर्चा होगी इसी खटिए पे होगी, क्या कहना है आज डॉक्टर इरशाद का? ये गड्ढों को देख के और जो इधर से सब्जी वाले व्यापारी जाते हैं उनको देख के आज मुझे बहुत दुख हुआ कि उनका डेली का रोज़गार लगा रहता है सब्जी बेचकर मनकापुर और मछली गांव से वो सब्जियां सादुल्ला नगर ले जाते हैं, इन गड्ढों में उनके टमाटर फूट जाते हैं। वो बेचारे दिन में 100-150 कमाते हैं, उससे अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन उन सब्जियों के फूट जाने से उनका घाटा हो जाता है, उनका पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आता है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन सब्जी वाले गरीबों को देख करके, उनकी हालत को सोच करके, प्लीज़ आप लोग इस रोड को बनवाने में मदद करें। दूसरी दशा, जब मैं आधी आबादी की सोचता हूँ कि वो सोचती है कि मुझे, मेरे लिए सरकार इतनी इतनी योजनाएं चला रही है, मिशन शक्ति, महिला आरक्षण और क्या क्या करके, उसमें जब ऐसी सड़कें दी जाएंगी तो उस महिला की शिक्षा जो प्राचीन काल से ही भारत देश में प्रभावित है, ये सड़क उसको कितना कलंकित और प्रभावित कर देगी, ये इन गड्ढों पे चलने के बाद पता चलता है। जब हम चलते हैं इस गड्ढे पे, किसी बेटी को अगर विद्यालय जाना हो इस सड़क से, तो पता चलता है कि उसके अंग भंग होने के चांसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं गिर सकती है और वो विद्यालय पहुंचने में असमर्थ होगी, कहीं उसे एग्ज़ाम देने जाना हो वो नहीं पहुंच सकती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के इन योद्धाओं से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण करवा दें, गड्ढा मुक्त कर दें। विवेक जी एक सवाल आपसे है। मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, बगल से बस गुजरी है ना, बिना लेटे पहली बार उसका नीचे का हिस्सा देखा है। जी विवेक जी, ये बताएं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों में चर्चा है, खासकर भाजपा के जो लोग हैं, मतलब जो उसके सपोर्टर्स हैं, या यूं कह लें कि जो ब्लाइंडली उन पे फेथ करने वाले लोग हैं, उन लोगों की ये चर्चा आम हो रही है जब से हमारी खबरें चलनी शुरू हुई हैं। ये कहना शुरू हो गया है कि ये लोग बेकार में ही कोशिश कर रहे हैं, जब आवंटित हो चुका है, प्रेस विज्ञप्ति भी आ चुकी है, इसका बजट भी पास हो चुका है, तो रोड तो बनेगा ही बनेगा, तो ये कब बनेगा? भैया ऐसा है कि जो लोग खुश हो रहे हैं, जो ताली पीट रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बजट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी कुछ कह रहे हैं, उनको खाली एक जवाब देंगे, ये गांव में एक ठो कहावत कही जाती है, आधी रात का छींक आवे का संजस मुंह बाएं है। ठीक, तो जब रोड बननी है, जब प्रशंसा होगी बनने के बाद, तब, आज कुछ नहीं। अब मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस रोड का संज्ञान ले लीजिए, हमें आप लोगों पे बहुत भरोसा है, हो सकता है रोड। मुख्यमंत्री ने तो संज्ञान लिया है, उन्होंने बजट जब सैंक्शन कर दिया है, हाँ। तो इसका मतलब उन्होंने संज्ञान में लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की उन्हीं सारी बातों को ये लोग झूठा साबित करने में लगे हुए हैं? अरे बिल्कुल लगे भैया, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बजट सैंक्शन हुआ है, ये दो रोडों का कंबाइंड बजट है, और भैया सीधी सी बात, जब बन जाएगा तब मानेंगे जिस मुद्दे पर सरकार। अच्छा विवेक जी, इस बार क्या आपको लगता है कि इन दो विधानसभाओं में, गोंडा विधानसभा जैसे गौरा चौकी विधानसभा में ये लगता है, या फिर कुछ हिस्सा इसका आता है उतरौला विधानसभा में, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष इसी को निशाना साध के मौजूदा सरकार को, यानी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करेगी? कोशिश तो करेगी, लेकिन ये भी है कि रोड बनी 7-7.5 साल पहले ही थी, तो गुनहगार आधे वो भी हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों गुनहगार हैं यहाँ पर। लेकिन
एक बात आती है कि जब विपक्ष ने या जो भी उस समय सत्तारूढ़ दल था उन्होंने नहीं बनाया तो जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की हो गई। अब वर्तमान सरकार का क्या दायित्व तो किसी एक ही पार्टी को नहीं, जैसे अभी बसपा भी है, MIM है, बहुत सारी पार्टियां हैं। पिछली सरकार तो सपा की थी तो ब्लेम उन पे लग सकता है, सिर्फ बाकी की जो पार्टियां हैं। जी इंटरप्ट करना चाहूंगा विवेक भाई, मैंने देखा इस सड़क के विषय में कि जनता बोलने से कतराती है, यही जनता। लेकिन अब तो जनता बोलना शुरू कर दी। कुछ महिलाएं आज आई हैं, कुछ लोग आक्रोशित होकर के आए हैं, जब हद पार हो चुकी है तो ये जनता इस सड़क को मुद्दा बना के कैसे मतदान करेगी, मेरी समझ में नहीं आता। और अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ए भैया आप लोग नहीं बनाओ, उसको डिलीट कर दो, नहीं क्लेम हो। अब भैया देखिए, ऐसा है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद हम लोग सड़क से 1.5 फीट नीचे गड्ढे में खटिया बिछा के बैठे हैं। ये स्टंट नहीं है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी और अफसोस की बात है हम लोगों के लिए कि आज के डेट में 4.5 साल के यहाँ के वर्तमान शासन में, वो भी पूर्ण बहुमत के शासन में, हम लोगों को ऐसी स्थितियों में आके बैठना पड़ रहा है। विवेक जी डिजिटल इंडिया के बारे में क्या कहना है आपका? क्या ये डिजिटल इंडिया का एक छोटा सा पार्ट नहीं लग रहा? डिजिटल इंडिया अगर इस रोड पर आएगा तो कई बार 1.5 फीट 2 फीट नीचे हो जाएगा, और बरसात के दिन में तो कई बार कीचड़ में डूब चुका है। और डिजिटल इंडिया को तो यहाँ कम से कम 1.5 फीट ऊंचा शॉकर और उसके ऊपर 9 इंच का सस्पेंशन रखना पड़ेगा, वरना डिजिटल इंडिया गोठिया से हम घटी नहीं जा पाएगा। और किसी तरीके से पहुँच गया तो गौरा चौकी पहुँचते पहुँचते एक चीज़ आपको से पूछनी है, जैसे जो भी पार्टियाँ आती है, जैसे इसके पहले सपा थी, ठीक है, सपा के रिजीम में ये पास हुआ। अच्छा, ये क्या कितने ऊंचे पे खड़े हुए हैं जी, हम लोग की खटिया कम से कम 1.25 फीट नीचे लगी हुई है। नहीं नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ ये कि सपा के रिजीम में पास हुआ, क्या उसमें झोल किया गया वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात बताएं कि क्या ये नैतिकता नहीं बनती? अगर कोई गुनाह करके जा चुका है और उसकी सज़ा पूरी जनता भुगत रही है, तो जिम्मेदारी अगर किसी और को दे दी गई तो सिर्फ ये कह के भी पास ऑन हो कर देना है कि उन्होंने गलती की थी, हम क्यों भुगतें? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, जिन गलतियों के ऊपर उंगली उठा के आपने वर्तमान सत्ता अपने बनाई है, क्या ये भी तो हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि भाजपा, अगर इनका रिजीम है, इनका टाइम है, इनकी शासन है, अगर इस रोड को बहुत अच्छे से बना दें तो क्या ये नहीं मुमकिन है कि इस रोड पर चलने वाले लोग हमेशा के लिए इनके हो जाएं? आप मुझे 1.5 मिनट का समय दीजिए। भारत में वो युग ही समाप्त हो गया जब ये लोग जानते थे कि नेता कुछ अच्छे काम कर दें तो जनता उनको वोट देगी। भैया करके देखिए आप। नेताजी, मैं आपसे यही इसी माइक और इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि जिस दिन जनता खुश हो जाएगी उस दिन आपको बहुत कुछ मिलेगा। वर्तमान आप सुधार रहे हैं, अपना भविष्य भी सुधार लीजिए, आगे अपना क्या कहते हैं लोक परलोक सब सुधार लीजिए। जनप्रतिनिधि बने हैं, पता नहीं कितने लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं आपसे। जब आप ढंग से काम करेंगे, ढंग का काम करेंगे, लोगों का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस गली से गुजरिए 20 गाली की जगह अगर 20 कुर्सी उस गली में निकल जाए, 20 लोटा पानी आ जाए, 20 प्लेट में गुड़ बताशा आ जाए आपके लिए, तब आपको उपलब्धि माननी चाहिए कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से विधायक का कार्यकाल चलाया, बहुत अच्छे सांसद का कार्यकाल चलाया। ये क्या है कि आप मुँह छुपाते हुए निकले जा रहे हैं? आप ये समझिए कि अगर स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे आप हमको, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमें अपने पुत्र पुत्रियों की, हमें अपने छोटे भाई बहनों की संज्ञा दीजिए, हमें उसकी भांत पालिए पोसिए, इसीलिए आपको जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जा रहा है। भारत में अब कोई राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है, तो जो प्रजातंत्र का जनप्रतिनिधि होता है उसका दर्जा राजा के बराबर होता है, तो राजा का दर्जा क्या होता है? अपने प्रजा को संभालना, ऐसे ही संभाल रहे हैं। मतलब बरसात के दिन में तो कोई हत्या करके अगर इसी में लिटा देगा तो इस गड्ढे में लाश ही नहीं ढूंढ पाएगा आदमी, इतना गहरा गड्ढा है। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जान लीजिए, आइए आइए मानते हैं तो जवाब मिलेगा यहाँ की कुछ जनता से। अब इधर वोट के बारे में कहा जाता है कि अब जैसी आवत है तो चटाई जात है। हाँ, हफ्ता नहीं बीतत है, बस ये है। हाँ, गाड़ी से गिर जात है, यका बने दिक्कत होता है। और यहाँ जान लो कि छोटा बड़ा सब कोई साइकिल से आए या मोटरसाइकिल से आए तो हमेशा गिरत हैं, और ज़्यादा चोट चपेट खाए जाते हैं, लोट पेट जाते हैं। हम लोग का खुद देख के शर्म महसूस होता है कि हम लोग के द्वारा पर ऐसे गिर जाते हैं। अम्मा, उधर कुछ महिलाएं जो है गांव में कुछ लोग बता रहे थे कि इस बार जो है हम लोग तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक ये रोड बन नहीं जाता। आपका क्या कहना? हाँ, वोट दिन जाइए, हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक ये बनेगा नहीं, क्योंकि हम लोग के दरवाजे पे है, कोई आता है, गरीब है, अमीर है, गिर गया, उसके जेब में पैसा नहीं, कैसे इलाज करवाएगा, तो कितना दुख होता है।
कहाँ का है कहाँ का नहीं है, उसके पास रात बिरात चोट लग जाता, हम लोग ऐसे खुद दरवाजे पे अपने लिटा लेते हैं, देखते हैं कितना मजबूरी होती है उसके पास। आप लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जब हाँ, पानी भर जाता होगा हाँ, तो ये डर नहीं रहता कि डूब जाएंगे? हाँ डूब जाएंगे, अपना खून नहीं निकल मिलता है सड़क पे, तो दिक्कत तो बहुत बड़ी है। सरकार को चाहिए कि वो बनवा दे, हम लोग को भी अच्छा रहेगा, जब हम लोग वोट देंगे सुख मिलेगा तभी तो कोई कुछ करेगा। रोडवा खराब बाटर साहब बनत नहीं, और कहो आपका घर यही है? हाँ हमारा घर यही है। तो जैसे अभी ये लोग भी कह रही हैं और भी लोग कह रहे थे कि इस बार अगर ये रोड नहीं बनता है तो वोट नहीं करेंगे, आपका क्या करना है? रोड बन जाए तब वोट दे जाए, जो है उससे पहले आप वोट देने वाले? पहले ना वोट दे जाइए। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी लोग इस तरह से इतना आक्रोशित हो चुके हैं क्योंकि कई सालों से ये झेल रहे हैं। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे एक मानवता यही होती है कि अगर इनके घर के सामने कोई एक्सीडेंट होता है, कोई उठाने वाला नहीं है, यहाँ जाहिर सी बात है कोई मार्केट तो है नहीं, तो इन्हीं लोगों को मजबूरन इंसानियत के नाते आना पड़ता है सामने, या उनको उठा के अपने घर ले जाते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं, और यही इंसानियत का तकाजा भी है। इसलिए ये लोग इतना परेशान हैं, इतना आक्रोशित है, इतने गुस्सैले हैं कि इस बार इन्होंने पूरी तरह से प्रण कर लिया है कि अगर ये रोड नहीं बनता है तो हम वोट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये इनका राइट भी है, इनका हक भी है कि अगर इनको पूरी तरह से प्रॉपर वे में इनको जो सुख नहीं मिल रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अपने वोट को नोटा कर सकते हैं।